हाय दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे। मैं हूँ आपका भाई बालाजी, आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फिर एक बार मधुमक्खी का छत्ता गिराएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं एक महीने से पहले ही मैं मधुमक्खी का छत्ता देख के रखा था। अब लगभग एक महीना हो गया, जो कि मुझे एग्ज़ाम के टाइम मैं एग्ज़ाम लिखने गया था, इसलिए पूरी तरह से एक महीना कम्प्लीट हो गया जब मैं पहले मधुमक्खी का छत्ता देखा था। अब मैं उस मधुमक्खी को छत्ते को देखूंगा, उधर है कि नहीं, मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि एक महीना हो गया दोस्तों। अब उधर जाके मधुमक्खी का छत्ता देखेंगे, छत्ता है तो गिराएंगे दोस्तों। वो मधुमक्खी का छत्ता एपिक्स सेरेना था दोस्तों, सेरेना इंडिका, जो कि उसको लगभग 4-5 छत्ते रहते हैं दोस्तों। एक छत्ते का मधुमक्खी का छत्ता लगभग 3 या 4-5, बहुत बड़ा था तो 7-8 भी रख सकते हैं दोस्तों मधुमक्खी के छत्ते। तो देखेंगे दोस्तों, उधर मधुमक्खी का छत्ता है तो आप जाके देखेंगे है कि नहीं मधुमक्खी का छत्ता। देखिए दोस्तों, इधर ही है मधुमक्खी का छत्ता, जो कि मैंने पहले देख के रखा था। आपको दिखाई, इधर से देखिए दोस्तों मधुमक्खी की छत्ती। देखिए कितने दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5 है दोस्तों लगभग। लेकिन इधर की साइड की मधुमक्खियाँ उड़ गई है दोस्तों, क्योंकि लगातार 2 दिन बारिश हो गई है दोस्तों, इसलिए बारिश के कारण से मधुमक्खियाँ उधर के हिस्से में गई होंगी दोस्तों। देखिए, इसे गिराने में इस बड़े से पत्थर को हटाना पड़ेगा। इस बड़े से पत्थर को हटा के आपको आसानी से मधुमक्खी का छत्ता निकालने को भी आएगा और गिराने को भी आएगा। देखेंगे दोस्तों, इधर है मधुमक्खी का छत्ता। दोस्तों आपने देखा, ये मधुमक्खी का छत्ता जो कि एक बड़े बड़े पत्थरों के बीच में है। देखिए दोस्तों, एपिक्स सेरेना इंडिका जो कि मधुमक्खी के छत्ते लगभग ऐसे बड़े बड़े पत्थर में, क्योंकि जो एपिक्स सेरेना इंडिका के मधुमक्खी की जाति रहती है दोस्तों, वो अंधेरे में बैठना ही पसंद करती है। इसलिए ऐसे बड़े बड़े पत्थर या पड़े हुए पुराने घरों में या जो सूख गए पेड़ रहते हैं दोस्तों, उसमें बैठते हैं दोस्तों। देखिए, ऐसे ही तरह के मधुमक्खी का छत्ता पत्थर में बैठा है। अब ये बड़े से पत्थर हटाने के लिए मुझे तो अकेले से नहीं हो पाएगा दोस्तों, इसलिए मैं मेरे दोस्तों को लाया हूँ और ये बड़े पत्थर को हटा के मधुमक्खी का छत्ता गिराऊंगा दोस्तों।
दोस्तों देखिए कितने छत्ते, एक दो तीन चार पांच, पांच छत्ते दोस्तों बड़े एकदम पूरी तरह से शहद भरा है। देखिए मैंने बोला था ना एपिक्स सेरेना इंडिका की प्रजाति के छत्ते बहुत रहते हैं, लगभग पांच या छह, ज्यादा लगभग आठ भी रह सकते हैं दोस्तों। जितने मधुमक्खियां पुराना छत्ता बनाते हैं उतनी शहद की छत्ते ज्यादा रहती है। तो दोस्तों देखिए पूरी तरह से शहद भरा हुआ है जो कि वो बड़े से दो पत्थर के बीच में था। मैं बहुत तकलीफ से निकाल पाया हूँ दोस्तों, बहुत परेशानी हुई क्योंकि बड़े बड़े पत्थर थे, इधर को पत्थर को हटाना बोले तो उधर का पत्थर उस पत्थर के ऊपर गिर जाता है। ऐसे लगभग दो छत्ते उधर ही छोड़ दिया हूँ और देखिए पूरी तरह से शहद भरा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ मिलता रहूंगा, तब तक के लिए बाय और एंजॉय करते रहो।